दोस्तों, अगर आपने भी बिल्कुल नया नया YouTube चैनल बना रखा है और अपने चैनल पे आप मेहनत तो कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यार आपका सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे, आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो यार स्टार्टिंग में ऐसा क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है सब्सक्राइबर बढ़ाने का? क्योंकि यार आप में से काफ़ी लोग गलती करते हो, पता क्या करते हो, आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बहुत से यूट्यूबर ऐसा बता रखे हैं कि यार इस वेबसाइट पर जाओ सब्सक्राइबर बढ़ा लो, इस वेबसाइट पर जाओ वहाँ सब्सक्राइबर सेंड कर लो, ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं। सब बिल्कुल फर्जी तरीका है, बिल्कुल फेक तरीका है। वहाँ से आपको जो भी सब्सक्राइबर मिलते हैं भाई, वो सारे सब्सक्राइबर आपको माइनस हो जाएंगे और वो सारे सब्सक्राइबर फर्जी रहते हैं, मतलब फेक रहते हैं, बॉट होते हैं, कोई बंदा नहीं होता है, वो आपकी वीडियो को देखेगा नहीं। वहां से आप 100 सब्सक्राइबर भी लेकर आ जाओगे ना भाई किसी वेबसाइट से, तो सिर्फ 100 नंबर पड़े रहेंगे, कुछ दिन बाद वो नंबर गायब हो जाएंगे, वहां से आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइम बर्बाद करोगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा ना भाई, उससे आपको जेन्युइन सब्सक्राइबर मिलेंगे, आपके कैटेगरी के सब्सक्राइबर मिलेंगे, आपकी तरह वो भी वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइबर मिलेंगे। अगर ऐसे सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे भाई, आपका तो कल्याण हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे सब्सक्राइबर मिलेंगे कहाँ, कहाँ से आप लेकर आओगे? ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा टेलीग्राम का, या फिर फेसबुक पे बोल दूंगा जाकर कोई ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसा नहीं कर रहा भाई। जो फेसबुक पे या टेलीग्राम से जो आप जाकर वहाँ से बंदे लोग हैं ना, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे दिन भर काम करते रहते हैं, दिन भर फेसबुक करते, टेलीग्राम पर रहेंगे, वहाँ की वीडियो कहाँ देखेंगे, समझ रहे हो? तो सबको सिर्फ सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कुछ आपको। आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना, सब कुछ वीडियो आपको सीखने को मिलेगा। यार अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है यार एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप कुछ बातों का ध्यान रखना, अगर आप YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को इंक्रीज करना चाहते हो तो यार जो लोग YouTube पर एक्टिव हो, YouTube पर वीडियो देखते हो, वैसे सब्सक्राइबर को आप ढूंढना कि ऐसे सब्सक्राइबर आपको कहाँ मिलेंगे। ध्यान से देखना, सब कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। मान लो यार आपका YouTube पे एक चैनल है, कोई ना कोई एक कैटेगरी तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कोई कैटेगरी नहीं होगा, कुछ तो आप YouTube पे करते होगे, हो सकता है गेमिंग करते हो या फिर खाना बनाने वाला वीडियो बनाते हो या फिर ब्लॉगिंग करते हो, कुछ भी करते हो, कोई ना कोई आपका कैटेगरी होता है। ठीक है, मान लो कि आप फूड वाला आपका कोई चैनल है, जैसे मान लो कि कोई भी आपका टाइटल ले लो, दाल कैसे बनाए, रोटी कैसे बनाए, आपका एक चैनल हो सकता है ना इस तरीके का, या फिर मान लो कि आप मेरी तरह वीडियो बनाते हो। ठीक है, आपका चाहे जो भी कैटेगरी हो, आप अपने कैटेगरी से कोई भी एक टाइटल लेकर सर्च कर देना यूट्यूब पर। ध्यान से देखो, मैं आपको सामने पूरा लाइव प्रूफ दिखाता हूं। आपको करना है कि आपने मोबाइल फोन में यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करो, यहां कॉर्नर पे क्लिक करो, ठीक है ना, यहां पर सर्च का ऑप्शन आएगा सर्च का, ठीक है, यहां पे क्लिक करो। आप अपने कैटेगरी से दोस्तों यहां पर कोई भी टाइटल लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहां पे टाइटल लिख दिया थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है, हमने ये लिखकर सर्च कर दिया, ये मेरे कैटेगरी वाले हैं सब, ठीक है, देख सकते हो मैंने सर्च किया तो काफी यूट्यूबर का यहां वीडियो यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर है, मान लो इनका वीडियो आपको नहीं, मतलब यहां पर आपको कुछ नहीं कर रहा, इन वीडियो से आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली है, ठीक है ना। आपको सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे वो आप ध्यान से सीखो, इनके वीडियो सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे, आपको करना क्या है, यहां पर टाइटल लिखने के बाद से ये जो 3 डॉट है ना कोने में, यहां पर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे ना यहां पर आएगा सर्च फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक करो और ध्यान से देखो आपको करना क्या है। यहां पर देखो, देख सकते हो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, यहां पर लिखा होगा अपलोड डेट कि वीडियो कब अपलोड हुई थी, तो यहां लिखा होगा एनी टाइम। आप एनी टाइम जब क्लिक करोगे ना तो काफी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा है कि लास्ट आवर, पिछले घंटे में, टुडे, आज पूरे 24 घंटे के अंदर, इस हफ्ते में, इस महीने में, इस साल में। आपको क्या करना है, टुडे लिखा है ना पिछले 24 घंटा, इसको क्लिक कर देना, तो हम यहाँ पे टुडे पे क्लिक कर दिए और यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई, इस अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे भाई, इस टाइटल पे जितने लोग वीडियो बनाए होंगे पिछले एक दिन में, मतलब कि 24 घंटे के अंदर, सारा वीडियो शो करेगा। जैसे मान लो देखो ये सारे वीडियो आ गए, अब ये सारे न्यू वीडियो होंगे, देख सकते हो आप, ये वीडियो कब बनी हुई थी, 11 घंटा पहले ये वीडियो बनी हुई है और 18 व्यूज इस पे, देख सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये वीडियो कब बनी हुई थी, 12 घंटा पहले बनी हुई थी और यहाँ पे 0 व्यूज है, देख सकते हो। इस सारे न्यू वीडियो आएंगे, सारे न्यू वीडियो। अब आपको करना क्या है, ये जो भी न्यू वीडियो आ रहे हैं ना, ये सारे न्यू यूट्यूबर है, इन्होंने वीडियो बना रखा है, अब इससे आपको क्या फायदा होगा, ध्यान से देखो। अगर आप दोस्तों किसी बड़े यूट्यूबर के पास अगर आप मैसेज करोगे ना, किसी बड़े यूट्यूबर के पास, उनके पास इतने लोग मैसेज करते हैं कि आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं करेंगे, वहां से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है, अपने कैटेगरी के, आपका जो भी कैटेगरी है, अपने कैटेगरी के जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं भाई, इनको कॉन्टेक्ट करो, इनसे देखो क्या फायदा होगा। जितने भी न्यू यूट्यूबर होंगे ना, आप भी एक न्यू यूट्यूबर, आप जानते हो, जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, दिन में कम से कम 10 से 20 बार अपने उस वीडियो को ओपन करते हो, अपने चैनल को ओपन करते हो, देखते रहते हो, व्यूज बढ़ा नहीं बढ़ा, मेरी वीडियो कोई देखा कि नहीं देखा, कोई लाइक किया कि नहीं किया, कोई कमेंट किया कि नहीं किया, ये सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा, बार बार वीडियो को देख रहे होगे। अगर आपकी वीडियो कुछ कमेंट आते हैं, आप तुरंत उसका रिप्लाई करते हो, होता है ना ऐसा, सारे यूट्यूबर ऐसे ही करते हैं। अब आपको इन्हीं का फायदा उठाने देखो कैसे। मान लो कि ये सब लोग नए यूट्यूबर है, ठीक है, मेरे सामने जैसे इस भाई का वीडियो आ गया, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद उसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर जाना, इसके कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट से देखो कोई कमेंट नहीं किया इस यहाँ पर, ठीक है ना, क्लिक करो। यहाँ पर आप एक अच्छा सा कमेंट करो कि भाई आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मैं भी आप ही की तरह वीडियो बनाता हूँ, ठीक है,
आप मेरे चैनल पे विजिट करके मेरे चैनल को एक बार अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप अपना इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट बना के इनको दे देना, या फिर आपका जो पुराना अकाउंट है वो भी इनको यहाँ पर दे सकते हो। ये यहाँ से आपके कमेंट को पढ़ेंगे, आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे और आपसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आपके चैनल को सब्सक्राइब कर भी लेगा, पता क्यों करेगा? क्योंकि आप ही के कैटेगरी का है, समझ रहे हो ना। या आपके चैनल विजिट करेगा तो इसका ही फायदा होगा, वहां से देख लेगा कि आप किस तरह के वीडियो बना रहे हो, क्योंकि कैटेगरी सेम है, इसको भी आइडिया मिल जाएगा। और आप इसके चैनल को देखिए कुछ आइडिया ले सकते हो कि किस तरह का वीडियो बना रहा है, तो आप भी इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये भी आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, देखना। इसलिए करेंगे क्योंकि इसका भी फायदा है ना यार, आपको टॉपिक मिल जाएंगे, इसको भी टॉपिक मिल जाएंगे वहां से। इस तरीके दोस्तों आपको दिन भर आपको इसमें वेस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आप दिन भर बैठो, अपना जो कंटेंट बनाना है आप कंटेंट बनाओ, मेहनत करो, बिल्कुल करो। 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा निकालो, आधा घंटा निकाल के यूट्यूब पे जाके इस तरीके काम कर सकते हो। अपने कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी टाइटल सर्च करो, उस पर जाओ, जितने वीडियो बने होंगे टुडे करो, जितने वीडियो बने होंगे उन सब पे जाके कमेंट करो फिल्टर लगा के, ठीक है ना। अब हो सकता है कि आपने एक टाइटल लिख दिया, अब तो कोई दूसरा टाइटल लिख दो अपने कैटेगरी से रिलेटेड, उसमें भी बहुत सी वीडियो बनेंगे, उनके पास भी जाओ कमेंट करो। फिर कोई तीसरा टाइटल लिख दो, उससे भी बहुत सी वीडियो बनेंगे, उस पर जाके कमेंट कर दो। दिन भर में अगर आप 50 लोगों के पास कमेंट कर देते हो ना भाई, 25 लोग आपको सब्सक्राइब कर लेंगे। आप कमेंट में बोल देना कि भाई आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, मैं भी आपको सब्सक्राइब कर लिया हूँ, पक्का करेगा यार। वो न्यू यूट्यूबर है, उसके मन में कुछ ऐसा नहीं रहता है कि मैं आपको सब्सक्राइब नहीं करूंगा, पक्का करेगा। उसका भी फायदा क्योंकि आपकी कैटेगरी भी सेम है, ठीक है। इस तरीके से आप काफ़ी चैनल को आप देख भी लोगे, वहाँ से आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि यार भाई ये लोग कैसा वीडियो बना रहे हैं, कंपटीटर भी आपके मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका फायदा होगा। और इस तरीके के सब्सक्राइबर भाई 10 से 15 सब्सक्राइबर भी आपके चैनल पर आ जाएगा ना, तो आपका चैनल वहाँ से बूस्ट होने लगेगा। इस तरीके के आप डेली बैठ के आधा घंटा काम करना, जो भी सब्सक्राइबर मिलेंगे भाई जेन्युइन सब्सक्राइबर मिलेंगे, और ये माइनस नहीं होंगे, कहीं आप ग्रुप रूप से लेकर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे माइनस हो जाएंगे, जेन्युइन सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। आपकी वीडियो को देखा है, आपको सब्सक्राइब किया है, और जो बंदा सब्सक्राइब करेगा ना इस तरीके से, वो आपकी एक वीडियो नहीं 2-3 वीडियो जाकर देखेगा, तो आपका व्यूज भी बढ़ेगा। इस तरीके से आप करके देख लेना, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि यार इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ है, कुछ मजा आया है वीडियो देखकर, तो लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप इसी तरीके का और टिप चाहते हो सब्सक्राइबर बढ़ाने का, तो भाई मैंने वीडियो बना रखा है, वेट करो, यहाँ पर देखो एक वीडियो दिख रहेगा, क्लिक करो और जाकर देखो। इस वीडियो में आपको और भी बहुत से तरीके बता रखा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाने का, पूरा तरीका आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस वीडियो को देख लो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना यार, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह का आपको ढेर सारे कंटेंट देता रहूंगा, ठीक है। मिलता है दोस्तों आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।